हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा, रोजगार समाचार और अन्य किसी तरह की एडुकेशनल जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की दो तीन दिनों से मैं देख रहा हूँ एक न्यूज़ जो है बड़ा वायरल हो रहा है, छत्तीसगढ़ के न्यूज़ में ये आ रहा है, है ना, पेपर में छपा हुआ न्यूज है, तो इसको अभी मैं आपको रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ और शिक्षकों के सैलरी को लेकर बात करेंगे, सविलियन को लेकर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो 8 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं 43,000 शिक्षाकर्मी का सविलियन होगा, 12,000 तक सैलरी बढ़ेगी। आपको थंबनेल देकर ही पता चल गया होगा। ओके, सैलरी की बात करें, देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। वर्ग एक है ना, जो कि 34,000 से लेकर 46,000 तक आपको सैलरी मिलेगी और भत्ते और सुविधाएं भी बढ़ेंगी, जैसे न्यूज़ में छपा हुआ है फ्रेंड्स, है ना। मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूँ कि भाई इन लोग का डिसाइड करूँ, जो न्यूज़ में आया मैं वही बता रहा हूँ। वर्ग दो, जो कि 30,000 मिल रहा है अभी, उन लोग को 40,000 तक सैलरी मिलेगा। 28,000 जो वर्ग तीन वाले शिक्षक हैं उनको 36,000 तक सैलरी मिलेगा। ओके, जैसे कि न्यूज़ में ये बताया गया है। अगले साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भी जारी होगा सविलियन आदेश। तो फ्रेंड, जिन्होंने सविलियन प्राप्त करना चाहते हैं, अभी 1 जुलाई से उनका अगर कंप्लीट हो रहा है, 8 साल की सेवा पूर्ण कर रहे हैं, तो उनका सविलियन किया जाएगा। देखिए, एक चलिए एक एक करके बात करते। राज्य सरकार ने 6 माह के भीतर दूसरी बार शिक्षक कर्मी के सविलियन का फैसला किया है। इससे करीब 43,000 शिक्षा कर्मियों को लाभ होगा। ऐसे शिक्षा कर्मी जिनकी सेवा 8 साल या इससे अधिक हो गई है, उनका सम्मिलन 1 जुलाई से शिक्षा विभाग में होगा। ठीक है, देखिए एक बार पुनः बताता हूँ, ऐसे शिक्षा कर्मी जिनकी सेवा 8 साल या इससे अधिक हो गई है, उनका सम्मिलन 1 जुलाई से शिक्षा विभाग में होगा। मतलब वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी बन जाएंगे। सेवा अवधि की गणना 1 जुलाई 2019 तक के लिए होगी, इसको ध्यान दीजिएगा, यानी 1 जुलाई 2019 को 8 साल या उससे अधिक सेवा वालों के लिए सम्मिलन का आदेश जारी किया जाएगा। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना। ऐसे शिक्षाकर्मी जो जिनका 1 जुलाई 2019 को 8 साल कंप्लीट हो जा रहा है कम से कम या उससे अधिक, उनको ये सम्मिलन किया जाएगा। आदेश के मुताबिक अगले साल 1 जनवरी और फिर 1 जुलाई को भी 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर शिक्षाकर्मी का सम्मिलन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव रीता सांडिल्य ने जनपद व जिला पंचायत सीईओ को 8 साल या उससे अधिक सेवा वाले शिक्षाकर्मियों के सम्मिलन के लिए प्रारंभिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई जानकारी उनको शिक्षाकर्मियों को लेकर, है ना, जिनका सम्मिलन नहीं हुआ है। देखिए, न्यूज़ की माने तो देखिए, मिलेंगे इस तरह के वेतन, मैंने आपको बताया, वर्ग एक को 46,000, वर्ग दो को 40,000, वर्ग तीन को 36,000। भत्ते और सुविधाएँ भी बढ़ेंगी, इसका भी अंदेशा लगाया गया है। ठीक है, शासकीय कर्मियों की सुविधाएं, अनुकंपा, नियुक्ति की पात्रता, भत्ते और बाकी सुविधाओं में वृद्धि। अगर देखिए इस तरह का अगर आदेश जारी हो जाता है तो शिक्षकों के लिए एक सबसे बड़ी न्यूज होगी, जो अभी वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है उन लोग के लिए भी, और जो शिक्षक कर्मी जिनका सम्मिलन नहीं हुआ है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी और धमाकेदार न्यूज है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का घंटा जरूर दबाएँ ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।